हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस आपको अगर मेरा रीडिंग पसंद आता है, मेरा चैनल पसंद आता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपकी जो रीडिंग है गाइस, वो ये है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कौन सी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है, प्लीज गाइड मी। आपकी लाइफ में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या खुशखबरी मिलने वाली है? पहले तो गाइज ऐसा है कि आपको आपकी दुआओं का, आपके फेथ का, आपके भरोसे का रिजल्ट दिखने वाला है यहाँ पे। ओके, ऐसा मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि आप जो भी भरोसा ईश्वर पर दिखाए हुए हो, जो भी आपको ईश्वर ने दिया, उसको आपने जो स्वीकार किया, उस फेथ का रिजल्ट आपको परमात्मा देंगे। ठीक है, जब परमात्मा की परीक्षा ले रहे होते हैं तो वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति ये कितना सह सकता है या फिर कितना झेल सकता है और ये मुझ पर कितना विश्वास बना सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके हिस्से में परमात्मा ने जो लिखा, जितना लिखा, जैसा लिखा, आपने एक्सेप्ट किया और तब भी भरोसा नहीं खोया। जैसे इस पूरे केक पर इस व्यक्ति का अधिकार है क्योंकि उसने खुद बनाया है, लेकिन जैसे इस प्लेट पर उठाकर रख दिया गया और बोला गया कि तुम्हें सिर्फ इतना ही खाना है, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही है, तो इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना ही खा लूंगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कर्म तो पूरी चीजों के लिए किया था, यानी बहुत सारी चीज के लिए किया था, लेकिन फिर भी जैसे प्रकृति ने उठाकर आपसे ये कह दिया कि तुम इतने के अधिकारी हो, जाओ इतना ले जाओ। तो यहाँ पर आपने कंप्लेन नहीं की, आपने ये नहीं कहा कि मुझे इतना क्यों मिला, ठीक है, आपने ये नहीं कहा ईश्वर से कि मुझे ऐसा क्यों दिया, आपने फिर भी फेथ बनाया, फिर भी भरोसा रखा कि ठीक है, अगर मेरे हिस्से में ईश्वर ने इतना लिखा है तो इतना ही सही। तो आपके ना फेथ का रिजल्ट आ रहा है बेसिकली। तो अब फेथ का रिजल्ट तो परमात्मा देंगे कि आपको, क्योंकि मिरेकल का कार्ड भी है, तो फेथ तो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर है कि आपको आपके फेथ का, यानी आपके भरोसे का रिजल्ट, डेफिनेट रिजल्ट जो भी है वो डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पे। अब वो आपका मिरेकल के फॉर्म में कुछ भी मिरेकल हो सकता है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर परमात्मा को जो लगेगा कि आपके लिए बेस्ट है। ओके, ये आपके लिए पहली गुड न्यूज है कि ईश्वर आपसे खुश है। दूसरा यहाँ पर कार्ड है कंप्लीशन का एंड सर्विस का। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग मतलब एक चैप्टर में रहते हैं कि जहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने ये खोया, मैंने ये खोया, मुझसे ये दूर चला गया, मुझसे वो दूर चला गया। ठीक है, तो जब आपके साथ चीजें ऐसी होती हैं कि जब बहुत सारी चीजें आपसे छीनी जाती हैं, जैसे आपने कहा कि परमात्मा मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, ठीक है, तो कहीं ना परमात्मा आपको, जब आप इस तरीके की मांग करते हैं तो परमात्मा क्या करते हैं, आपकी तरफ बहुत सारे लोगों को भेजेंगे जिनको वास्तव में प्यार की ज़रूरत होगी, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनको वास्तव में ज़रूरत होगी आपकी। परमात्मा आपको कभी ऐसे लोगों के, अगर आप देखिए सरेंडर करेंगे ना जब, तो ईश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों से जिन जिन जिनसे जो आपकी ज़रूरत है। बेसिकली आपको तो बना देंगे वो इंडिपेंडेंट, कोडिपेंडेंसी से टोटली बाहर आपको बना देंगे इंडिपेंडेंट, और आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजेंगे जिन जिन
को आपकी जरूरत होगी, ना कि ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनकी जरूरत आपको होगी। यानी आपको तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं देंगे, लेकिन आपकी आप किन किन की जरूरत बन सकते हैं ऐसे लोगों से आपको डेफिनेटली मिलवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं। कंप्लीशन कार्ड दिखा रहा है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में हमने बहुत कुछ खो दिया या फिर बहुत कुछ छिन गया, बट सर्विस कार्ड दिखा रहा है कि एट द सेम टाइम आप देखिए वो इंसान लोगों की मदद कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि आपको परमात्मा ये देखते हैं कि इस व्यक्ति को सही जगह लगाया जाए, ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ पर इसका मतलब जहाँ पर चीज़ें इसके लिए सही हों, यानी इसके इसका हित बेसिकली। ठीक है, और हम चाहते हैं हमारी डिज़ायर के हिसाब से चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे एंजल्स की जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी वो आपके साथ कर रहे हैं, जो भी उन्होंने आपको दिया है, आपको कुछ भी छीना हो, कुछ भी दिया हो, आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी आपने भरोसा बनाया है इस चीज़ से ना, परमात्मा आपसे बहुत खुश है। और इसका जो रिजल्ट है वो मिरेकल के फॉर्म में आएगा गाइस। ठीक है, अब ये मिरेकल कोई भी मिरेकल हो सकता है। चलिए पूछ ही लेते हैं एंजल से कि ये मिरेकल कैसा मिरेकल होने वाला है। प्लीज हरिहरा गाइड मी, ये कौन सा मिरेकल होगा। जहां पर कार्ड है डिस्पोंडेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपको ऐसे लोगों से छुटकारा मिलेगा जो आपकी जो आपकी लाइफ में नकारात्मक लोग थे, ऐसे लोग आपसे दूर जाएंगे, आपकी आपका सोल एक्सपेंशन होगा और आपकी हर एरिया में हर उसमें ग्रोथ होगी गाइस। ठीक है, ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। तो ये ग्रोथ यानी कि ग्रोथ तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, ठीक है, आपकी हेल्थ में, हर चीज़ में आपकी ग्रोथ होगी और ये आपके मिरेकल के फॉर्म में होगा। तो ऐसे ग्रोथ में तो एंजल्स ने एक बार में सारी चीज़ें बोल दी। ग्रोथ मतलब आपकी लाइफ में आपकी उन्नति, उन्नति का मतलब हो गया कि आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं वो सब में ग्रोथ आएगी। ठीक है, ये आपकी लाइफ में मिरेकल होगा गाइस, ये आपके लिए खुशखबरी है। जो लोग ऐसा विश्वास बना पाते हैं उनकी लाइफ में परमात्मा को देना ही पड़ता है। यहाँ पर कार्ड है इंस्टिंक्ट का, इम्पार्शलिटी का एंड रिकवरी का। देखिए आप ना लगातार एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं चीज़ों को रिकवर करने, आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइज, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आप काफ़ी कुछ इंट्यूटिवली चीज़ों को समझ सकते हैं, आपको काफ़ी सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों समझ में आ रही हैं। एंड स्पेशली ऐसा नज़र आता है कि आप अपने इंट्यूशंस के हिसाब से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हो, अपनी लाइफ को बना रहे हो, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए कि मुझे क्या रखना है लाइफ में, क्या नहीं रखना है, क्या मुझे चाहिए, मुझे कैसी चीज़ें चाहिए, मुझे कैसे क्या मैनिफेस्ट करना है, इस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं और आप अपने स्तर से चीज़ों को कर रहे हो और बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आपके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आप लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत सही जा रहे हो आप। और एंजल्स भी लगातार आपकी रिकवरी कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड यहाँ पर आप देखिए आप अपने पैशन में, जो भी आप पैशन फॉलो करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें दिन प्रतिदिन आप निपुण होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप परफेक्ट होते जा रहे हैं। या मैंने आपको शायद एक दिन कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनाई थी, मैंने आपको ये कहा था कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने साधन हैं, आप कितनी तेजी से चीज़ों को चला सकते हैं। जैसे खरगोश है, वो तेज़ दौड़ता था तो वो जल्दी 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 जाकर पहुंच सकता था और वो जीत सकता था, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कछुआ जीता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी थी। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही चीज़ को नियमित तौर पर डिसिप्लिन तरीके से हार्डवर्क करने की जो कला होती है ना, कि एक काम को नियमित तौर पर वो व्यक्ति सीधे तरीके से किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा, है ना। जब हम कोई काम लगातार करते हैं, रोज़ करते हैं, तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। वो चीज़ जैसे होता है कि हमारे लिए ही बनी थी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को छोड़े ना और कंटिन्यूस करते रहें तो हम उसमें ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आपने सुना होगा। तो आप लगातार किसी चीज़ में प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपने पैशन को आप लगातार इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, उसमें आप परफेक्ट होते जा रहे हो गाइस। ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर एक परफेक्शन को क्रिएट कर रही है। एंड यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बटरफ्लाई बन गया है कोई आइसोलेशन में। आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस कि आपका परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है और आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। इस लड़की को अगर आप देखेंगे ना, तो ये बहुत खूबसूरत सी दिखाई देती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात की एनर्जी होती है, जहाँ पर इंसान का हार्ट चक्रा ओपन है और वो बटरफ्लाई बन चुका है, बहुत सुंदर दिख रहा है, उसके खूबसूरत बाल है, उस सेल्फ लव से खुद को भर चुका है और उसने अपनी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया है, सारी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कर दिया है। ये वाली जो एनर्जी है ना गाइस, इसमें आप जिस दिन पहुँच गए, आपकी सारी
दुनिया गुड न्यूज हो जाएगी। ठीक है, गुड न्यूज आपको अभी मांगनी पड़ती है या फिर ऐसा है कि गुड न्यूज आपको चाहनी पड़ती है कि कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आए, कुछ आपको अच्छा सुनाई दे। लेकिन जिस दिन आप इस एनर्जी में होंगे ना, परसेप्शन का कार्ड है, उस दिन आपकी लाइफ में आपको ये समझ में आ जाएगा गुड न्यूज आपकी एक इस तरीके की ऊर्जा है जहां पर आप ये चाहते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार काम हो जाए, आपको वो गुड न्यूज लगता है। जिस दिन आपका परसेप्शन शिफ्ट हो जाएगा, उस दिन आपको ये लगेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो जब आप खुद से सही होते हो। यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है गाइस, बहुत ही खूबसूरत है। आप मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब ये मिरेकल ईश्वर द्वारा होगा और आपकी हर लाइफ लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ होगी, ऐसा मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। और देखने की कोशिश करते हैं हम। चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन सा मिरेकल होगा या फिर कौन सी ब्लेसिंग है। यहाँ भी लव लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन ही आए हैं। ठीक है, आपने सरेंडर किया हुआ है आई थिंक चीजों को, अपनी लव लाइफ को। ठीक है, और आपने सारे सबको माफ भी कर दिया है, लोगों से माफिया भी मांग ली है। आप लोग लगातार चीजों को करते जा रहे हैं, आप लगातार अपनी करियर पे, अपनी खुशियों पे, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हैं। रेनबो रिवाइवर दिखा रहा है कि आपने लगातार खुद को खुश रखने की कोशिश की है, तो जैसे अपने आप को इमोशनली फ्री भी कर लिया है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नजर आता है डिवाइन मास्टर, जैसे आपका आपके जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं डीएम। ओके, तो यहाँ पर ये जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, लव लाइफ में आ रही हैं, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने एनर्जीज को क्लियर किया है। ठीक है, आपने दुनिया भर की जो आपके अंदर चीजें पड़ी हुई थी, आपने उनको खाली किया है और अपने आप को फ्री कर लिया अपने चीजों के साथ। इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है, रेनबो रिवाइवर का कार्ड है। ये क्या कार्ड दिखा रही है? ये दिखा रहे हैं कि कोई इंसान सेल्फ लव से बहुत ज्यादा भरा हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत खुश है वो अपनी जिंदगी में, इमोशनली फ्री है, बहुत अच्छे कामों को कर रहा है, लोगों को माफ कर दिया है, इस वजह से वो अपनी लाइफ का बेस्ट अट्रैक्ट भी कर रहा है, ऐसा यहाँ मैसेज आ रहा है। ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं हम कि और क्या है आपके लिए। देखिए गुड न्यूज़ क्या है, आप नकारात्मकता से बहुत दूर जा रहे हैं और आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं लव के, अप्रिसिएशन के, मनी के। देखिए परमात्मा जब आपको देंगे ना, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं होगी, मुझे ऐसा महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि गुड न्यूज़ ऐसा है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपके इनर वर्क के अकॉर्डिंग, आपकी जैसे भी परमात्मा आपके ऊपर काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है। लेकिन एक बात मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि परमात्मा जब भी देंगे ना आपको, आपको बेस्ट ही देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा है कि गुड न्यूज़, कुछ लोग अच्छी एनर्जी में है तो वो इन गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो अभी लो वाइब्रेशन में हैं, उनको ज़रूरत है थोड़ा सा और काम करने की, अपने आप को नेगेटिविटी से फ्री करने की, ताकि आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करने की, ताकि आप वो अट्रैक्ट कर सकें जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही। आपकी लाइफ में अप्रिसिएशन है गाइज, वैल्यूबल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारा मनी आपके लिए, डोर टू रोमांस और डोर टू वैल्यू दोनों के कार्ड आ रहे हैं, यानी पैसे और प्यार दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आती हैं। आपको यूनिवर्स फ्री करना चाहते हैं उन सारी बंधनों से जिन्होंने आज तक आपको जकड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग आ रही है गाइस, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मुझे नज़र आती है आपकी लाइफ में। आप मनी को, फेम को, सक्सेस को एंड ऑल्सो लव को, सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड सारी चीज़ें अलाइनमेंट में है, ऐसा नज़र आता है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना समर तक,
ठीक है, समर का कार्ड आ रहा है, समर का कार्ड है बास्क एंजॉय एंड लाइट। ऐसा नजर आता है कि गर्मियों तक आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स पॉसिबल हैं गाइस। मतलब ये जो आपका समर है, यहाँ तक आते आते आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी होगी और बहुत सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर चुके होंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी जॉय में रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में अपने आप को लाइट में रखिए, ठीक है। और अपने आप को ना जैसे चीज़ों में बांधना नहीं है, जितना हो सके चीज़ों से फ्री करना है खुद को, ठीक है। इस चीज़ पर फोकस करिए कि आपको चीज़ों से फ्री करना है खुद को, ना कि उसमें बंधन में आना है। और आप समर तक देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।